बाबा जी कहते हैं, पुत्र आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए बढ़ाएं, वो आपको मायूस नहीं करेगा, लेकिन इंसान किसी की दिल से की हुई मोहब्बत को मिट्टी में मिला देता है। जो तंग है महबूब से, जो परेशान है उसके मकरो फरेब से, उसकी दी हुई बेवजह अजियत से, जो पहले तो करता था हवाओं में बातें, तरीफों के पुल बांधता था, कहता था सब कुछ होता है, बस अब तेरे बिना गुजारा नहीं होता। अब गुजारे का लफ्ज़ तो अच्छा है, पर सिर्फ मेरे लिए है कि अब मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं होता, उसका हो रहा है। आज का ये अमल आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करके आपके महबूब को आपका हम सफ़र बना देगा, और इसको आपकी मोहब्बत में इतना ये अमल गिरफ्तार कर देगा कि वो आपके बिना जी ना सकेगा, सो ना सकेगा, रह ना सकेगा। आपने बस ये अमल करना है कि अपने महबूब की तस्वीर ले लेनी है, चाहे मोबाइल में हो या वैसे पास हो, महबूब पास हो या दूर हो, उसकी तस्वीर को अपने सामने रख लेना है और ये अल्फाज पढ़ने हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ। वाला सऊफा युती का रब्बू का फतरजा। इस वजीफे को आपने 441 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा पहला कलीमा पढ़ना है, और वजीफा करते वक्त महबूब का तसव्वुर आपने मुकम्मल दिल में रखना है, और इस अमल के लिए ना तो आपको इजाज़त की ज़रूरत है, न ज़कात की, न दिन की, और ना टाइम की कोई ज़रूरत है। आप किसी भी टाइम किसी भी लम्हा ये वजीफा कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके पास जो तस्वीर है, चाहे मोबाइल में हो या वैसे आपके पास हो, आपने उस तस्वीर पर इस अमल को 441 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 11-11 मरतबा आपने पहला कलीमा पढ़ के उसके बाद आपने आखिर में 3 मरतबा महबूब का नाम ले लेना है। उसका जो भी नाम है, फलां बिन फलां, लड़की कर रही है तो लड़के का नाम और उसके बाप का नाम, अगर लड़का कर रहा है तो लड़की का नाम और उसके वालिदा का नाम, 3 मरतबा उसका नाम लेना है आखिर में, और नाम ले लेने के बाद आपने तस्वीर पर फूंक मार देनी है। उसी वक्त महबूब के दिल में हलचल पैदा हो जाएगी, उसकी सांसें तेज और दिल में साख्ता धड़कना स्टार्ट कर देगा, और इसके दिल में ये वजीफा आपके लिए प्यार के जज्बात उबार देगा, और आपके बारे में सोचना और आपसे राबता करना उसके लिए लाजिम होगा, जैसे मछली के लिए पानी लाजिम है। आपके लिए खास इसके दिल में प्यार और मोहब्बत का जुनून होगा, और वो हर लम्हा और हर वक़्त आपको हासिल करने की फिक्र में होगा, आपका प्यासा हो जाएगा, ये अमल उसको चैन से जीने नहीं देगा। बाबा जी कहते हैं, पुत्र मनाया तो नाराज़ होने वालों को जाता है, बेजार होने वालों को तो अल्लाह हाफिज़ बोला जाता है। वक़्त कलील, बातें तवील, शिकवे हज़ार, मगर जाने दीजिए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे जिन प्यारे भाई और बहनों ने जिस मकसद के लिए मुझे मैसी किया है दुआ के लिए, ऐ अल्लाह उनके दिल में जो भी तमन्ना आरजू ख्वाहिश है, ऐ अल्लाह उसको पूरी फरमा। ऐ अल्लाह जो किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, ऐ अल्लाह उन दोनों को आपस में मिला दे। ऐ अल्लाह वो दिल से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, कोई नजायज़ मकसद नहीं है, ऐ अल्लाह उनको इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दौलत की वजह से परेशान है, उनके घर में बेशुमार दौलत का नजूल फरमा, उनके घर को मालो दौलत से, अपने गैबी तरीके से मालो दौलत से भर दे। ऐ अल्लाह तमाम मेरे भाई और बहनों को खुश रखना। ऐ अल्लाह तमाम की जिंदगियों को आसान फरमा। ऐ अल्लाह तमाम जो मकरूज हैं उनको कर्जों से रिहाई अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको बीमारियों से शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दुआएं रह गई हैं तू जानता है हमारे दिल के अंदर हैं, ऐ अल्लाह उनको पूरा फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अलिशा को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।